जय हो, क्या बात है। मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरे सम्मानित साथियों, 30 साल के इस अनुभव में हमने बड़ी वंदना गाया, बड़ी भजन भी किया। एक भजन आपके बीच में भेज रहा हूं जो ओरिजिनल भजन है, और इस भजन से हमारे 85 मूल निवासी जैसे कट गए, हक और अधिकार से लगातार वंचित होते गए। क्या है, बुद्ध जी जाने बुद्ध जी भीम जी बैठे हैं मेरे सीने में, बुद्ध जी बैठे हैं मेरे सीने में, बुद्ध जी बैठे हैं मेरे सीने। लिखता है मेरा बेटा सौरभ सम्राट, लिखी हुई भजन है, क्या है, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, बुद्ध जी मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरे सम्मानित साथी, कहां खो गए आप, किस भ्रम में फंस गए, न आप अपने इतिहास को समझ पाए, न अपने देवताओं को समझ पाए। बुद्ध रस और भीम रस का स्मरण करके देखो, जीवन की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। लिखता है मेरा बेटा सौरभ, क्या है, मुझे कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, ना यश चाहिए, भीम के नाम का मुझको रस चाहिए, बुद्ध जी भीम जी बैठे हैं मेरे सीने में, बुद्ध जी बैठे हैं, जय हो।
अगर मूल निवासियों के दिमाग में ये बात न बैठी हो तो एक चीज सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं, बुद्ध ने समता, समानता, बंधुता, भाईचारा का संदेश पूरी दुनिया में और मूल निवासियों को जीने का अधिकार, सम्मान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये हमारे दो महादेवता, इसलिए मैं इन्हें अपने सीने में समेट करके लेकर चलने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ और आपको भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या है भीम रसिया हूँ मैं भीम सुमिरन करूँ, बुद्ध के नाम का मैं तो चिंतन करूं, ढूंढते हो क्या ऐ भ्रमने वाले, मक्का मदीना काशी गया हरिद्वार गंगोत्री और सारनाथ में कहाँ ढूंढ रहे हो, सब कुछ आपके बीच में आपके सामने है। लिखते हैं हमारे सौरभ सम्राट, क्या ढूंढते हो क्या मक्का मदीने में, ढूंढते हो क्या मक्का मदीने में, बुद्ध जी ज्यादा भरमो मत, कुछ जानना चाहते हो तो केवल भीम और बुद्ध का स्मरण कर लो, जीवन की सारी सच्चाई और सिस्टम दिमाग में आ जाएगा। आखिरी लाइन है, था जो जीवन में मेरे अंधेरा हुआ, भीम जी के बदौलत सवेरा हुआ, पूरे जीवन में हमारे अंधेरा ही अंधेरा था, केवल माँ की कोख से गुलाम बन करके हम पैदा हुए थे, लेकिन धन्य हो मेरे परम पिता, पूरे जीवन में जो हमारा जीवन अंधकार में था, आपके त्याग बलिदान और मेहनत के बल पर हमारे जीवन में वो रोशनी आ गई कि आज हम प्रधान, महाप्रधान, प्रमुख, प्रधानमंत्री की हैसियत तक भी पहुंच चुके हैं। बाहर मेरे परमपिता, कितना आदर करूं, कितना सम्मान मैं आपका करूं और अपने मूल निवासियों को आपका संदेश कैसे दे पाऊं कि आपकी भाषा और आपके त्याग को लोग समझ सके, इसलिए कहना है भीम जी के बदौलत सवेरा हुआ, शक्ति मिलता है, शक्ति मिलता है भीम रस पीने में, विद्वान बनना है, ताकतवान बनना है तो केवल भीम रस का स्मरण करो, भीम रस को पी लो, दुनिया में कोई पराजित नहीं कर पाएगा। क्या बात है, इसलिए कहना चाहता हूँ शक्ति मिलता है भीम रस पीने में,
बुद्ध जी भीम जी बैठे हैं मेरे सीने में बुद्ध मेरे सीने में बुद्ध जी स्वामी पत्तू जी हमको बता कर गए पुल्लू जोखन जी हमको सिखा कर गए कुमार सौरभ राजकुमार के देखो जीने में सौरभ राजकुमार के हैं नगीने में बुद्ध जी भीम जी बैठे हैं मेरे सीने में बुद्ध जी सादर जय भीम नमो बुद्धाय।